देखो यार, मेरा प्लान था शानदार भाई पे रिएक्ट करने का, बट उससे पहले अपने सोविक भाई और थोर भाई की वीडियो आ गई भाई सामने मेरे। मगर दो भाई साथ में मिलके आए हैं तो तीसरा भाई कैसे नहीं कूदेगा। तो आ गए हम यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या डिस्कशन हुआ है। लेट्स गो, लेट्स सी ब्रो क्या होने वाला है भाई इस वीडियो में। मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ भाई, सही में। आपके कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कुछ ताबड़तोड़ होने वाला है, देखते हैं। तुम्हें तो पता ही है फिर। अरे भाई खतरनाक खतरनाक नाक खतरनाक खतर। अच्छा टीडीएम वगैरह भी करा इसमें भाई ने किसी के साथ। तो फिर से गेम हार गया। What's up DMM? Back with a brand new खतरनाक टाइप वीडियो। लगभग एक महीना बाद ये डायलॉग मार के, ये टेबल को ठोक के दिल से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कैसे भाई? मैं कैसे बताऊं आपको, लास्ट के एक महीना काफी सारे यूट्यूबर ने मेरे अगेंस्ट पे स्टैंड लिया। कहीं ना कहीं मेरा इमेज नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जा रहा था। ये तो था बस कि मेरा डीआरमी का प्यार, हमारा प्यार भाई, हमारा हम डीआरमी का फुल प्यार भाई। और मेरे को मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि कुछ भी हो जाए भाई, कितने लोग आ जाए सामने, जब तक गलत काम नहीं किया है लड़ना नहीं छोड़ेंगे। और ये आपके लिए भी एक छोटा सा टिप्स है, जब तक आप गलती नहीं की हो तब तक सामने भाई 100 आ जाए, 200 आ जाए, 1000 लोग गलती बोल दे, आप स्टैंड लो। अपने लिए स्टैंड जब तक नहीं ले पाओगे तो आप अपने परिवार के लिए क्या स्टैंड लोगे, किसी के लिए दोस्त यार के लिए क्या स्टैंड लो। बाकी रहा आज के राउडी एपिसोड में, अनएक्सपेक्टेड खतरनाक खतरनाक चीजें होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले छोटा सा दिल में बात था, बता देता हूँ। कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, स्नेल ओपी क्या कर रहा है, ये कर रहा है भाई, ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। छोटा सा मैसेज था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। कल स्नेल ओपी भाई का खुद से मैसेज आता है। अच्छा, एज ए छोटा भाई मेरे साथ बढ़िया से बात करते हैं, उनके माइंड में जो भी डाउट्स वगैरह था सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनके साथ भी सब कुछ मैटर क्लोज हो चुका है। उनके तरफ से भी आगे कोई वीडियो नहीं आएगा वो बताते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो आगे चल के क्या पता बढ़िया सा भाईचारा बन जाए। बाकी बात करें एटर मस्ती भाई की तो बढ़िया सा भाईचारा वो बताते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो नाइस, आगे चल के क्या पता बढ़िया सा भाईचारा बन जाए। बाकी बात करें एटर मस्ती भाई की तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा उनका वीडियो मेरे को। सीन क्या था, कोई भी गेम खेलते हो तो बेस्ट ऑफ थ्री होता है। एक गेम पहले हो चुका था, बीच में एक गेम हुआ और वो भी ड्रॉ हो चुका है। आज से पहले जितने भी स्ट्रीमर के साथ खेल रहा हूं, जो अमाउंट मैं पे करता हूं, पे करने के बाद अगर मैच ड्रॉ वगैरह हो जाता है तो डेफिनेटली उनको एक और गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि मैंने पे किया है भाई। हम यहाँ पे प्रैंक वगैरह करने के भी ट्राई किए थे, बट मस्ती भाई वहां पे बोलते हैं कि भाई ये सीन खत्म करो, गेम वगैरह और नहीं खेलना मेरे। तो मैं भी सोचा ठीक है भाई, बंदा परेशान हो रहा होगा, मैं वीडियो बनाया और उस पे एक चीज़ें भी गलत नहीं बोला, बकायदा मैं एक बड़े भाई के अकॉर्डिंग मैंने समझाया वहाँ पे, फिटनेस को भी ध्यान दो, कुछ भी लगेगा मैं हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। बट उन्होंने रिप्लाई वीडियो बनाया, ये सब के बारे में कोई भी फोकस नहीं किया, सीधे ही बोल दिया भाई कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह कर रहा है, ये कर रहा है। थोड़ा सा बुरा तो लगा भाई, बढ़िया एंड में मैंने खत्म किया वीडियो में कुछ भी नहीं बोला, और ये बंदा वीडियो बनाया और स्टार्टिंग से ही भाई मेरे को वीडियो देखने का मन नहीं किया, इधर उधर की बातें, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो भाई मैं बढ़िया ही बड़े भाई के हिसाब से समझा रहा था और मेरे डीआरमी को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था गेम पे, सही बात है भाई, उसे भी ज़्यादा अपने हेल्थ पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है, बट नहीं समझे, ठीक है भाई। बाकी मैंने अपना रूटीन काफी तगड़े तरीके से सेट कर चुका हूँ, मैं अपना रूटीन आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। कुछ टाइम मैंने जिमिंग के लिए सेट किया, कुछ टाइम डांस के लिए सेट किया, कुछ टाइम अपने फैमिली के लिए सेट किया, कुछ टाइम मेरे ऑफिस वर्क को दिया। साथ ही मोस्ट एक्साइटिंग चीज है कि गेम के लिए भी मैंने 2 घंटा फिक्स कर चुका हूँ, तो रोज मैं 2 घंटा गेम खेलने वाला हूँ। और इसी 2 घंटे की गेम के बीच आज क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है देखो। जब मैं आज फर्स्ट गेम खेलने के लिए जाता हूँ, जहाँ पे इतना स्लो लैंडिंग करता हूँ, ऑलरेडी सारे लैग हो रहा है भाई, पर देख रहे हो, फाइट वगैरह तगड़े तरीके से कर रहे थे। देखो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकते, फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस था, कुछ भी करके सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। लेफ्ट में बंदे थे, राइट पे आता हूँ, जॉयस्टिक देखो कितनी देर से चल रही है, देख रहे हो जॉयस्टिक देखो, ये मिल जाता है तो कुछ काम बन सकता है यहाँ पे। जॉयस्टिक देखो तुम भाई, नीचे कितनी देर चला रहे हैं भाई, यहाँ पे एक बंदे को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे जाने की ट्राई करता हूँ भाई साहब गलत तरीके से पड़ता है। आज मतलब मजा आएगा देखने में वीडियो। एक राउंड दिया, दूसरे बंदे को डैमेज, UMP में बस 3 गोली
भाई साहब ये बात के लिए नाइस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल सामने की तरफ से पुश मिल रहा था, मैं जैसे ही नेट कुक किया आगे डालता हूं बूम, तुरंत ही रश करता हूं ऊपर की तरफ। भाई साहब जैसे ये बंदे को खत्म करता हूं, सामने से कोई बंदा मोली कर रहा था, जल्दी से मैं नीचे की तरफ आता हूं, जैसे ही सामने जाता हूं नाइस यार गलत तरीके से मारा, नीचे आ गया जब तक हेल्प करता हूं। भाई ने कमबैक रख लिया अपना नाम। जैसे ही मैं राइट बंदे को स्पॉट करता हूं, बंदा नीचे कूद चुका था, भाई साहब लेफ्ट में बंदा भाई, जैसे तैसे करके ये बंदों को तो खत्म कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो आखिरी वाला बंदा था मेरे को बैक टू बैक घुमाता है। और जैसे मैं ये लोकेशन में आता हूं, यहां पे भाई इनके पूरे स्क्वाड आ चुके थे। एक नॉक निकाला इसको मैंने, नॉक भाई मार ही दिया था, भाई मार ही दिया था ऑलरेडी, कोई ना ये मेरा आखिरी वाला गेम प्ले होने वाला है। ट्राई करते हैं भाई इस पे कुछ भी करके चिकन निकाले, पर यहाँ पे उतरते ही मेरे साथ गलत वाला सीन हो जाता। भाई जॉयस्टिक देख के हैरान हो भाई, मैं इतनी तेज कैसे हिला रहे हैं भाई, भाई साहब खतरनाक जॉयस्टिक। यहाँ पे ये बंदे को खत्म करने के बाद मैं सामने की तरफ जाता हूँ, सामने की तरफ एक हल्का सा फुटस्टेप वगैरह मिल रहा था, जैसे ही मैं सामने की तरफ जाता हूँ बट यहाँ पे तो बंदा नहीं था, पीछे से मेरे को डैमेज पड़ चुका था। इतने ये बंदा आके पीछे किसी को फिनिश कर रहा। नाइस भाई नाइस, पांच किल ऑलरेडी हो चुके हैं। आ रहा भाई, कमबैक हो रहा है भाई, कमबैक हो रहा है, अनफॉर्चुनेट हो रहा भाई, जब तक मैं इसको फिनिश करता हूं पीछे से मार देगा भाई साहब। कहां पे लेट है देखो, रिवेंज लेने के लिए मैं हाल ही आ जाता हूं, और ये बंदे को शायद तक सामने वाला बंदा फिनिश कर दिया था, स्टेट चेंज करके इसको भी फिनिश कर देता हूं। इवेंट क्लियर हो चुका था, जैसे ही आगे जाओ तो पूरे के पूरे स्क्वाड, एक बंदा डाउन, दो बंदे डाउन। यहां पे पहले तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा हील अप कर लूं, पर यहां पे चांस नहीं मिलता, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से बंदे आ रहे थे। ओके तीसरे बंदा डाउन करा। ओ भाई साहब ये स्क्वाड वाइप हो ही पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेट्स सी। अच्छा मूव यहां पे मॉली करके, बढ़िया भाई, ओल्ड स्टाइल दिख रहा भाई। और ये वो क्वालिटी हमें यहाँ पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना चाहिए, करोगे ना डीएम? बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ। जैसे ही मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, ये बंदा गलत तरीके से यहाँ पे फंस जाता, उसके पास यहाँ पे ऑटो ही लगता। आज ना मेरे ख्याल में अच्छे से एडिट वेडिट अच्छे से टाइम लगाया गया है इस वीडियो पे, एंड इस वाली वीडियो का मैं हिंट आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपनी दे चुका था ना, कि ये ऐसी कोई टाइप की वीडियो आने वाली है। दैट्स व्हाई मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ। बंदा जस्ट हील ही किया था अपने आप को, मैं फिर से नॉक कर देता हूं। ये बंदे को फिनिश करने के बाद दूर से मैं यहां पे दो बंदे को फिनिश करता हूं, उसके बाद गेम प्ले का आखिरी पड़ाव आ चुका था। सामने बंदे थे, मैं नीड कुक किया, नीड परफेक्ट था, एक नॉक दिया। मैं ट्राई करता हूं यहां पे उड़ के जाने का, बट 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 गंदे तरीके से पड़ता है, पड़ेगा। एग्जिट 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 बाल बाल मरते मरते 20 किल कर दिए भाई ने यार हमारे।
गेम इजीली इसको नॉक दिया। खेला नहीं जा रहा भाई, देखो सही बताऊं तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं खेला जा रहा यार ये वाला मोड। आखिरी बंदा सामने की तरफ था, फ्री फायर क्या, मेरे को एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता चल रहा था, शायद तक बंदा सामने है। भाई बिल्कुल भी मारा भाई था भाई बिल्कुल। एड कनेक्शन भाई काफी लेट में हुआ, पर जैसे तैसे करके बंदे को खत्म करते ही फाइनली हक के साथ बोलेगा फाइनली हमने पूरे रंगल के ऊपर झंडा काट दिया। आपको पता ही है किसी यूट्यूबर को चैलेंज देते हैं और भाई कोई गेम हार जाता है कितना बड़ा सीन हो जाता है। वैसे भी मैं एक्सो गेमर के साथ टीडीएम वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, जहाँ पे मैं 2 महीने पहले उसको भाई 10 के नीचे स्कोर रख देता था, उससे डबल से भी ज्यादा स्कोर हो जाता था। आजकल के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम भाई ड्रॉ हो रहा है गेम, मतलब आई नो मेरा गेम काफी ज्यादा खराब हो चुका, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पर जो भी हो ट्रेनिंग ग्राउंड में गया थोड़ा सा ग्राइंड तो करने की ट्राई किया। पर जब मैं आज एक खतरनाक यूट्यूबर को चैलेंज देता हूँ, कुछ भी ग्राइंड वगैरह काम नहीं किया भाई, कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरा, और भाई अभी देखो गेम कैसे हाथ से निकल रहा था भाई, मैं क्या कर सकता था। क्या बात कर रहे हो गेम भाई, क्या गेम सुपर करने का 1v1 करेगा आईडी कौन है ये बंदा, कौन है ये 84 जॉइन फॉर सही बंदा खेल रहा है मेरे ख्याल में, बढ़िया खेलेगा ये बंदा। भाई नाम भी ऐसे रख के आते हैं एकदम T1 गेमर APK गेमिंग कि भाई पता ही ना चले बंदे को कि भाई कौन आया, समझ रहे हो। नाइस भाई, बढ़िया खेल रहा है यार बंदा तो यार। खेल तो बढ़िया रहा ब्रो, कुछ भी बोलो। जी भाई हारना नहीं है भाई, सोविक भाई आई लव यू ब्रो, हारना नहीं है भाई। Cover me. Reloading. Expired. But, यहां तक भाई गेम एक तरफा जा रहा था, फिर क्या था मैं अपने फुल फोकस किया, हाथ भी थोड़ा सेट हो चुका था, फिर यहाँ पे क्या क्या डेमो एक्टिवेटेड। अरे नॉर्मल शेम ऐसे यार भाई, अब देखना पड़ेगा, अब हुआ भाई डी मोड एक्टिवेट, अब कैसा मारते हैं भाई हमारे, लेट्स गो लेट्स सी। नाइस, अरे नाइस nice way, nice. The blue team is in the lead. भाई चालू हो चुका वाईडी मोड भाई, लेट्स गो ब्रो। बचा ना भाई जो बंदा,
अच्छा टीएल गेमर सामने वाले का नाम है मेरे ख्याल में ना, राहुल ओपी भाई का नाम है। पूरा ड्रॉ हो गया अभी मैच। Nice. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लीड आ रही है भाई, लीड आ रही है अपने पे, लीड आ रही है, लेट्स गो। फाइनली हक के साथ बोलेंगे। अपने चैनल के बारे में बताते हैं, भाई का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, पर भाई कुछ ऐसा बोल देता है। अरे यार इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं हमारे आज के राउडीज के पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम बैक टू अ ब्रांड न्यू खतरनाक टाइप वीडियो। अच्छा। राउडीज के आज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास्ट मैच जो सबसे खतरनाक काउंटर हुआ था किसके साथ, थॉर भाई के साथ। जब आज राउडीज एपिसोड 2 में थॉर भाई के साथ फेस टू फेस उसी टॉपिक के बारे में बात हो, तो क्या फिर से कंट्रोवर्सी फिर से बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। राउडी शो के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राउडी शो, ये तो काफी अच्छा नाम लग रहा है। नाम जितना अच्छा लग रहा है उतना ज्यादा खतरनाक शो है। यहाँ पे ये शो में सवाल इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं? जी जी जी, रेडी हूँ मैं। आपके कॉन्फिडेंस लग रहा है कि कुछ ताबड़ तोड़ होने वाला है, देखते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है फिर। आपकी अकॉर्डिंग BGMI में अभी के टाइम पे टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर कौन है? टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर, बस टॉप 3। लोल्स हो गया, चलिए पहले लोल्स हो गया, और भाई सेकंड पे सोविक डी हो गया, सेकंड पे सोविक डी, तीसरे पे थॉर गेमिंग। थॉर गेमिंग वो तो आप हो, थॉर गेमिंग हो गया भाई तीसरे पे। मतलब आप खुद आपके वीडियो देखते हो ना? हाँ भाई मैं अपनी वीडियो देखता हूँ भाई, बहुत ज्यादा देखता है भाई। भाई ये बंदा अपनी वीडियो कसम से देखता भी है और दिखाता भी है जबरदस्ती कि भाई देख कितनी मस्त वीडियो बनी है, देख देख मैंने ये पॉइंट मारा, देख मैंने ऐसा मारा। ये बंदा लिटरली अपनी वीडियो देखता है भाई खोल के, मानोगे नहीं तुम यार। भाई चलो आगे बढ़ते हैं। एक यूनिक कंटेंट क्रिएटर का नाम बताइए जो कि आजकल के टाइम पे छा रहे हैं। अच्छा तो पहला नाम जो मेरा होगा वो कौन होगा यार, कौन है ऐसे 3 कंटेंट क्रिएटर? मेरा नाम भाई लेके आता ना भाई कंटेंट क्रिएटर्स को। चलो थोर भाई तो यहाँ पे ज्यादा देखते नहीं है, काफी ज्यादा सोच समझ के साथ मेरे को लग रहा है कि कोई खतरनाक सा कंटेंट क्रिएटर का नाम बताएंगे, और यहाँ पे नाम देखना बताइए। ठीक है, लेकिन जैसे कि एक फेसमी गेमिंग करके लड़की है। अच्छा, फेसमी गेमिंग, वो काफी अच्छा गेम खेलती भी है, लाइव भी करती है और बनाती भी है। पर इनके में यूनिक क्या है ये हमें और हमारे डीआरपी को जानना है। यूनिक ये है कि यार वो लड़की होने के बाद और इतना अच्छा गेम खेलती है ना। अच्छा। और एंटरटेन भी करती है जो कि है, मतलब वो अपनी ऑडियंस को होल्ड करवा लेती है। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं समझ। कंटिन्यू करते कैसे ना कैसे करके, तो ये यूनिक है उसके अंदर। चलो थोर भाई आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी निकल रहा है यहाँ पे धीरे धीरे करके। इसमें गेमिंग को आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई धीरे धीरे करके सवाल भी थोड़ा सा टॉप नोच पे जाने वाला है। सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन यहाँ पे, आजकल के टाइम पे कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हो रहा है और आपका और मेरा पास्ट में कंट्रोवर्सी हो चुका है, सही बात है। आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहते हो कि आजकल के टाइम में कंट्रोवर्सी करके व्यूज ले लो या फिर सब्सक्राइबर गेन करना ये बढ़िया बात है या फिर कंट्रो करना ही नहीं चाहिए भाई, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? देखो मैं ना बिल्कुल टचवुड, मैं एकदम हकीकत बताऊंगा भाई। ठीक है, हुआ क्या था कि और जो कंट्रोवर्सी हुआ उससे आपको ट्रबल हुआ या फिर नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ, जो भी चीजें हैं खुल के मैं थोड़ा गलती मेरी थी। पहला पॉइंट ये था कि गलती मेरी ये हुई थी सबसे बड़ी, जो मैंने आपको पोक किया था। कैसे पोक? वो वीडियो में नहीं, मैंने पोक किया था स्टोरी डाल के। ठीक है, जो मैंने कहा सोविक डी डी ऐसे करके, ये चीज मेरी थोड़ी गलत थी। और दूसरी चीज मेरी ये गलत थी कि मैं आपकी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके वो कर रहा था कि भाई मेरे पे ये मत बनाना, ये मत बनाना, ये दो चीजें, हाँ ये गलत थी। देखो एक बंदा अपना गलती मान रहा है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता है, इसको जाके आगे कोई ट्रोल मत करना। और
हिम्मत लगता है भाई कोई अपना, सही बात है भाई, ना वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो मैंने रिएक्ट किया था ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं मेरी उससे पहले की रिएक्शन वीडियो देख लो अब तो कुछ ऐसा कि मुझे क्या पता था ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी, मुझे नहीं पता था कि हाँ ये तुम तक पहुंचेगी भी ये बात। मैं नॉर्मल बोल देता हूँ कि फ्री फायर, वैसे तो मैं सच बताऊं तो ये फ्री जो फ्री फायर है ना, हाँ। ये हम खुद भी बोलते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, हो जाता है भाई फ्री फायर उस टाइम पे हो जाता था, उस टाइम पे मैं खुद भी बोलता था भाई, मेरे को खुद पता है इसमें। अरे भाई ने मेरे वाले हेडफोन ले लिए, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है एक सरकास्टिक वे में था और वो बस वो अलग तरीके से लोगों को सामने चला गया। अच्छा, आपके बातों के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कंट्रोवर्सी ना करना ही बेहतर है, पर मेन मुद्दे पे हम आ नहीं पाए अभी तक, तो फिर बताओ आप कंट्रोवर्सी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्यूज सब्सक्राइबर भी तो चाहिए, बताओ फिर आप। नहीं करना चाहिए यार, इंटेंशनली कर रहे हो तो ब्रो, कर्मा जो है ना, नो वन डाइज वर्जिन, ठीक है, कर्मा एवरीवन। भाई ऐसा इसलिए बोल दिए कि भाई हमारे, हमको एडिटिंग में ज्यादा मेहनत करना ना पड़े और बीप लगाना ना पड़ जाए ज्यादा, ठीक है, वो मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई की वीडियोस में गलत ना जाए, धन्यवाद। तो वो एफ से वर्ड है वो फिल कर लो, सही बात। अपने आप को देखो डिफेंड कर रहे हो वो चीज एक अलग है, लेकिन अगर किसी को डिफेम कर रहे हो और जानबूझ के कहते हैं ना, जैसे मैंने वो चीज हरकत जानबूझ के की थी, मुझे अच्छे से याद है कि वो वाली हरकत मैंने जानबूझ के की थी, लेकिन जो स्टोरी वाली थी तो मैं सोच रहा था कि ये चीज कभी हुई नहीं है, तो मैं भी करके देखता हूँ ना, बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है क्योंकि, है ना, हर कोई यही कर रहा है, लेकिन भाई ये सिर्फ ऐसे ही है, मतलब तुम्हें अगर किसी को परेशान करोगे ना भाई तो तुम्हारे सामने जरूर आएगी वो चीज, मतलब ये मैंने हरकत की गलती की, ठीक है, अब मेरे सामने है। और भाई एट देन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं गीता को काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम फीड्स भी देखोगे तो वहाँ पे गीता की बातें ही चलती रहती है। अच्छा, भगवान कृष्ण से मैं एक चीज तो सीख चुका हूँ, जहाँ पे गलती है वहाँ पे सिर झुकाओ, आपने गलती नहीं किया और आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है कुछ भी आ रहा है और आप वो चीज को सह रहे हो तो आप भी वहाँ पे गलत हो, तो आपके ऊपर कोई गलती करने आ रहा है तो उसको हटाओ। बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ, बिना गलती के आप अपने ऊपर गलती होने मत। बिल्कुल सही बात है। एक चीज सोविक भाई बताता हूँ, थोड़ा सा गीता ज्ञान है हल्का सा मुझे भी, तो जैसे श्री कृष्ण जी ये कहते हैं ना कि मतलब धर्म की रक्षा के लिए, मतलब धर्म क्या है, जो चीज हम किसी से भी, जो वो जो महाभारत में दिखाया गया ना कि हर किसी से अपने अपने आपस में ही परिवार से ही तो लड़ाई होती है, अपने ही चाचा अपने ताऊ इनसे ही लड़ाई होती है, अपने घर वाले, तो भाई धर्म के लिए किसी से भी लड़ना पड़े लड़ जाओ, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखो कि अगर आप लड़ रहे हो तो किससे लड़ रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप शेर हो और आप पे कुत्ता भौंक रहा है और आपकी उसकी बात पे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आप अपनी इमेज डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो। आपने भी सही पॉइंट बोला, आप रास्ते पे जा रहे हो, आप हाथी हो, कुत्ते चार भौंक रहे हैं तो उनको इग्नोर करो, और कोई आके आपके सामने बाप बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई आपसे बात करके और यहाँ पे मतलब आपके चैनल पे मेंशन होके, थैंक यू सो मच भाई। ऐसे ही डीडर होके जो भी सवाल का जवाब देते हैं उन्हीं को ही आई थिंक राउडीज बोलते हैं, और ऐसे ही राउडीज को हम आगे भी हमारे ये कॉन्टेंट में लाने वाले हैं, और नेक्स्ट राउडीज कौन होने वाला है आप गैस करो। बाकी आई नो एक टाइम पे डीआरबी की तरफ से थोर भाई को काफी ज्यादा हेट वगैरह मिला था, बट टाइम आ चुका है अभी जहाँ पे डीआरबी का प्यार दिखाना है। सही बात है भाई, जो प्यार दो भाई को अपने। था भाई के पास कि कंटेंट स्क्रिप्टेड होता है उनका, आई डोंट थिंक कि भी कोई भी स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाना गलत है, एट द एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए और एंटरटेनमेंट चाहिए भाई जिंदगी में, और क्या चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे डीआरबी के साथ, आज का ये खतरनाक न्यू राउडीस एपिसोड खत्म होता है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एज सून एज पॉसिबल। लेट्स गो, नाइस 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 भाई, वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो यार, जाते जाते मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि हेट मत फैलाओ, अपने को भी प्यार दो, सबको प्यार दो, ठीक है, जिस जिसकी आप वीडियो देख रहे हो सबको प्यार दो भाई, एंड जिसकी नहीं देख रहे हो उसको भी प्यार दो भाई, सिंपल सी बात है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी फैलाओ और ख्याल रखो सब लोग अपना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को आप फॉलो करना चाहते हो तो कर दो, @fireman करके इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। मिला आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ख्याल रखना अपना, अपनी फैमिली का भी, पीस आउट, और सपोर्ट करते रहो मेरे को, ठीक है, सबको सपोर्ट करो भाई, चलो बाय।